नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन अपनी आने वाली फिल्म शहजादा के प्रमोशन में बिजी हैं। वह अपने को स्टार प्रीति सेनन के साथ फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म शहजादा को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया है। मेकर्स ने कार्तिक आर्यन और प्रीति सेनन स्टारर शहजादा की रिलीज डेट को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब ये फिल्म 10 फरवरी 2023 को रिलीज ना होकर 17 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। लोगों का मानना है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की जबरदस्त कमाई को देखते हुए फिल्म शहजादा के मेकर्स ने ये फैसला लिया है। वही ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान अभी कुछ हफ्तों तक अच्छी कमाई करने वाली है। जी हाँ, इस वक्त पठान बहुत ज्यादा अच्छी मूवी चल रही है और उसकी नंबर वन कमाई करने वाली मूवी बन गई है। एक एनालिटिक्स में के द्वारा एक ट्विटर करा गया था, ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में बताया है कि कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा की रिलीज डेट बदल गई है। ट्वीट में जानकारी दी गई है कि फिल्म शहजादा अब 10 फरवरी को ना रिलीज होकर 17 फरवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस तरह से रोहित धवन की डायरेक्शन में बनी कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म शहजादा की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का मुख्य कारण शाहरुख खान की फिल्म पठान को ही माना जा रहा है। इस वक्त पठान के आगे सारे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, वो इस वक्त डरे हुए हैं कि उनकी मूवी चलेगी कि नहीं। तो वहीं कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा के ट्रेलर को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था और इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। बताते चले कि फिल्म शहजादा में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की दूसरी बार जोड़ी बनने जा रही है। इससे पहले दोनों ने एक फिल्म में काम करा था जिसका नाम था लुका छुपी। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।